इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए 7 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए तय की गई है। इन 7 खिलाड़ियों में भारत के ईशान शर्मा और इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 20 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। आईपीएल की वेबसाइट के मुताबिक ईशांत और स्टोक्स के अलावा इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन, क्रिस वोक्स, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन, पैट कमिंस और श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज भी ऊंची कीमत वाली सूची में शामिल हैं। नीलामी में कुल 76 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई जाएगी, जिसमें 28 विदेशी खिलाड़ी होंगे। स्टोक्स, मॉर्गन और वोक्स पिछले साल भारत में खेले गए T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम का हिस्सा थे। मैथ्यूज 2 बार IPL का खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और अब भंग की जा चुकी पुणे वॉरियर्स और दिल्ली डेयर डेविल्स की ओर से खेल चुके हैं। पुणे और दिल्ली के लिए खेलते हुए मैथ्यूज को 5 करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई थी। सभी की नजरें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके जॉनसन पर होगी। उनके पास IPL का अच्छा अनुभव है। पिछले सत्र में नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट के लिए खेल चुके ईशांत पर कौन सी टीम दांव लगाएगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, वेस्टइंडीज के हरफन मौला खिलाड़ी जेसन होल्डर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी गई है। न्यूजीलैंड के हरफन मौला खिलाड़ी कोरी एंडरसन, इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन और भारत के इरफान पठान पर भी निगाहें होंगी।